अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माई टीवी और माई टीवी की जानिब से खुश आमदीद। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम आपको पांच ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे जिसका शायद आपको पहले इल्म नहीं होगा। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे जो इनको शायद इन वेबसाइट्स के बारे में इल्म हो, लेकिन बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको इन वेबसाइट्स के बारे में इल्म नहीं होगा। ये वो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं और आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने माय टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माय टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले वीडियो की अपडेट आपको यूट्यूब के चैनल पर हासिल हो सके। हमारे मोस्टली वीडियोस जो हैं वो इंफॉर्मेटिव और आपके फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं ताकि देखने वाले में आपको अर्निंग भी हासिल हो सके और आप फ्यूचर में उसका फ़ायदा भी हासिल करें। तो सबसे पहले वेबसाइट जो सामने आई है वो है pointer.com। आप गूगल पर जाएंगे, गूगल का पेज ओपन करेंगे, POINTER 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 pointer.com। ये दो दफ़ा आपने pointer.com लिखना है और इंटर कर देना है। तो ये वेबसाइट जैसा कि ये लोडिंग हो रही है, आप अपने माउस का कर्सर जिधर भी रखेंगे आपको कोई ना कोई पिक्चर ऐसी ज़रूर नज़र आएगी जो आपकी कर्सर को फिंगर पे शो कर रही है। अब देखें, हमने अगर अपने माउस का कर्सर इस साइड पर लेकर जाते हैं तो आपको ये देखें, ये फिंगर नज़र आ रही है। और सिर्फ यही नहीं, ये जिस जगह भी आप इसका पॉइंटर को रखेंगे आपको कोई ना कोई पिक्चर जो है गूगल की तरफ से ऐसी नज़र ज़रूर आएगी जो आपके पॉइंटर को फिंगर जो है वो नॉमिनेट कर रही होगी। तो इस वेबसाइट का सिर्फ यही फ़ायदा नहीं है, अगर आपको कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो आप उसको माउस को राइट क्लिक करेंगे, कॉपी भी कर सकते हैं सेव एज पिक्चर, उसके बाद आप इसको जहाँ जिस जगह भी सेव करना चाहें आप उस पिक्चर को PNG में सेव कर सकते हैं। आप इसको सेव का बटन दबाया, यहाँ से आके हमने शो इन फोल्डर्स और यहाँ से हमने ये पिक्चर ओपन कर ली। ये देखें, ये वही पिक्चर है जो हमने सेव की थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई पिक्चर चाहिए हो तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमने यहाँ माउस का पॉइंटर रखा है, ये देखें इस पिक्चर को माउस से कर्सर से राइट क्लिक करना है, आप इसको सेव एज, आप इसको कंप्यूटर में जिस जगह भी जिस फोल्डर में भी रखना चाहें आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी पिक्चर है हमारे पास वो है zwmquilit.org। जब हम इस पिक्चर को इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको ये लोडिंग हो रही है। कीबोर्ड से अगर आप इसको एरो की को अप वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये स्पीड में हो जाएगी। ये कभी ना ख़त्म होने वाली वेबसाइट है, ये देखें ये एनिमेशन चलते जाएंगे। और अगर आप बैक करेंगे तो ये वापस कीबोर्ड से एरो कीज़ का बैक वाला बटन यानी कि डाउन वाला बटन दबाएंगे तो ये बैक होती जाएगी। इस वेबसाइट का सिर्फ ये फ़ायदा है कि अगर आपको कोई इमेज पसंद है तो आप उसको थोड़ा सा बैक करके आप माउस का इस पिक्चर को सेव कर सकते हैं। यहाँ हमने ये इसको सेव करना है तो उसके बाद हम PNG फॉर्म में जहाँ भी इसको सेव करना चाहें तो हम सेव कर देंगे। ये देखें, ये हमारी पिक्चर जो है वो सेव हो गई है। ये देखें, ये वही पिक्चर है जो हमने सेव की थी। आप इस तरह किसी जगह की भी एनिमेशन 3D में कार्टून या जो भी पिक्चर आ रही हो वो आप उसे ले सकते हैं। तो आप इस तरह इसको कंप्यूटर में किसी जगह भी सेव कर सकते हैं। ये देखें, ये आगे से आगे चलती जाएगी। कीबोर्ड की मदद से एरो की अप और डाउन जो है उसकी मदद से आप इसको रन कर सकते हैं, इसको स्पीड भी दे सकते हैं। अगर आप डाउन की दबाएंगे तो ये वापस आना शुरू हो जाएगी, अगर अप की दबाई है तो ये आगे की तरफ चलती जाएगी। और ये कभी ना ख़त्म होने वाली वेबसाइट है, ये देखें ये आगे चलती जा रही है। नंबर 3 पे हमारी जो वेबसाइट है ये वेबसाइट बहुत इंटरेस्टिंग है, द फेसेस ऑफ फेसबुक .com। इस वेबसाइट का आप गूगल में जाके द फेसेस ऑफ फेसबुक .com जब इंटर करेंगे तो आपके सामने ये देखें, ये जो छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं ये फेसबुक के अकाउंट्स हैं और ये तमाम प्रोफाइल्स हैं जो आपकी एक स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो अगर आप इसको
एंटर करेंगे तो ये देखें, ये इतने लोग इतनी तादाद में फेसबुक पर हैं, तो आप ये देख सकते हैं। आप किसी को भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, ये देखें, ये आप किसी जगह भी फेसबुक का पेज पर जा सकते हैं। ये दोबारा एक दफ़ा आपको करके दिखाते हैं। ये देखें, ये जितने भी डॉट नज़र आ रहे हैं, और ये फेसबुक के अकाउंट्स हैं तकरीबन, वो ये जितने भी फेसबुक के अकाउंट्स हैं वो यहाँ शो होते हैं पूरी दुनिया से। आप इस पर एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये साइट बड़ी हो जाएगी, और ये देखें, ये इतने फेसेस फेसबुक पर मौजूद हैं। आप इसको कंप्यूटर से भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको मोबाइल से देखते हैं, द फेसेस ऑफ फेसबुक डॉट कॉम, तो आपको ये जिस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपका पेज जो है वो उसके पेज पर चला जाएगा। इस तरह आप किसी भी प्रोफाइल को सर्च भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये एक पेज पर आपके पूरी फेसबुक जो है वो डॉट्स की शक्ल में शो हो जाती है। तो ये साइट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरी वेबसाइट जो चौथी वेबसाइट जो है वो है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या आपको कुछ यूट्यूब पर या कोई भी आप को अपने नाम वगैरह का डिज़ाइन करना होता है, तो उस सिलसिले में है 3dnames.net। जब आप 3dnames.net पर जाएंगे तो यहाँ आप अपने नाम का कोई भी जो है 3D एनिमेशन बना सकते हैं, मोबाइल के लिए वॉलपेपर बना सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। 3dnames.net, तो यहाँ हम एक नाम लिखते हैं ये देखें, ये कितने इन 3D एनिमेशन बन चुके हैं। इस तरह आप अपने नाम का कोई भी 3D एनिमेशन बना सकते हैं, और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल के लिए उसे रख सकते हैं। तो इस तरह आप अपने जो है किसी भी मोबाइल का वॉलपेपर भी आप लगा सकते हैं। इसको आप राइट क्लिक करके सेव एज करेंगे तो ये आपका, आप जिस जगह भी इसको सेव करना चाहें आप इसको सेव कर लें। ये हमने डी ड्राइव में सेव किया। अब हम यहाँ से आते हैं शो फोल्डर, और यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें, आपके जो मोबाइल का वॉलपेपर है वो आपके नाम से क्रिएट हो सकता है। इस तरह आप अपने जो है मोबाइल का वॉलपेपर वगैरह यहाँ से बना सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे तो, और सर्च करवाएंगे तो यहाँ 3D एनिमेशंस के जो है वो आपके नाम जो है यहाँ बन कर आ जाएगा, और आप उसे अपने वॉलपेपर पर लगा सकते हैं, या आप उसे किसी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पांचवी वेबसाइट है जो यूट्यूब की तरफ से है, वो वेबसाइट भी कह सकते हैं या यूट्यूब का सर्च इंजन भी कह सकते हैं, वो है youtube.com/tv। जब आप इस पर जाएंगे youtube.com/tv, तो YouTube की तरफ से ये एक नया ब्राउज़र लॉन्च हुआ है। उसमें आप, अगर आपके पास कोई वाईफाई LCD है, LED वगैरह है, तो आप इसके ज़रिए अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आप डायरेक्ट किसी सॉन्ग को प्ले करके आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको एक कोड देगा। आपके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो ये एंड्रॉयड मोबाइल को सपोर्टेड है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई गाना सर्च करवा सकते हैं। ये सेम वो व्यू दिखाएगा जो आपके टीवी LCD वगैरह पर व्यू नज़र आ। इस तरह आप ये देखें, ये गाना या ये ड्रामा वगैरह जो है ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बहुत स्पीडली काम करता है, और आप इसको अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं और मोबाइल व्यू ले सकते हैं। ये देखें, ये बहुत सारे जो हैं डायरेक्ट व्यू, ये आप अपने LCD, अगर आपका वाईफाई है तो आप इस पर इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एंटरटेनमेंट के हैं, म्यूज़िक है ऊपर लेटेस्ट, ये देखें, और गेमिंग से रिलेटेड है, तो ये आपको गेमिंग में जा सकते हैं। यहाँ से आप इसको सर्च करवा सकते हैं। ये यूट्यूब का एक नया फीचर है
जो YouTube ने लॉन्च किया है, लिंक विद वाईफाई, यहाँ से आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक विद टीवी कोड। जब आप यहाँ से टीवी कोड देंगे तो ये एक कोड एंटर हो जाएगा और आप अपने YouTube के चैनल अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं LED को। तो इस तरह आप अपने जो वेबसाइट्स हैं वो उनको सर्च करवा के अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और दोस्तों में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि नए आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको YouTube के चैनल पर हासिल हो सके। अल्लाह हाफिज़।